हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे स्वीट रोल। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई रख दी है फ्रेंड्स, उसमें मैंने डाला है शेंगदाना एक कटोरी। शेंगदाने को हमें अच्छे से यहाँ पर भून लेना है। तो भूनना हमें ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं है, तो इस तरह से छिलका उतारने तक हम भून लेंगे शेंगदाने को। तो यहाँ पर और एक 2 से 3 मिनट तक हमें शेंगदाने को अच्छे से भून लेना है। ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं होने देना है शेंगदाने का। गैस की फ्लेम को यहाँ पे धीमा रख के ही शेंगदाने को हमें अच्छे से सेक लेना है। 2 से 3 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स, शेंगदाने हम यहाँ पे भून रहे हैं, तो अच्छे से आसानी से छिलका उतर रहा है। तो गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और एक प्लेट में निकाल देंगे शेंगदाने को। अब पूरे छिलके थोड़ा गर्म हो रहते ही हम पूरे छिलके को उतार लेंगे इस तरह से। अब मिक्सर में हम बारीक पाउडर बना लेंगे। मिक्सर को थोड़ा थोड़ा करके ही घुमाना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं घुमाना है। इस तरह से पाउडर बना लेंगे शेंगदाने का। तो गैस के ऊपर मैंने दूसरी कढ़ाई रखी है, उसमें डाला है 1 कटोरी चीनी और 1/2 कटोरी पानी। चाशनी बना लेंगे हम यहाँ पर फ्रेंड्स। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे शक्कर और पानी को। अगर आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, तो मैंने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ शक्कर और पानी को डाला है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। यहाँ हमें 1 तार 2 तार की ज़रूरत नहीं है चाशनी की। शक्कर थोड़ा सा अच्छे से पिघल जाए, 1-2 मिनट तक ऐसे ही रखेंगे। पिघलने के बाद फिर गैस के फ्लेम को बंद करेंगे चाशनी के। अब हम डाल देंगे शेंगदाने का पाउडर। गैस के फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है ताकि यहाँ पे गुठलियाँ नहीं बने शेंगदाने का और चाशनी का, इसलिए मैंने गैस के फ्लेम को बंद करके अच्छे से मिक्स कर लिया है चाशनी को और शेंगदाने पाउडर को। तो फिर बाद में हम गैस को चालू करेंगे और गैस की फ्लेम को धीमा रख के ही 1-2 मिनट तक हम पका लेंगे। शेंगदाने का पाउडर और चाशनी अच्छे से पक गया है 2 मिनट तक। तो यहाँ पे हम 1/2 शेंगदाने का आटा है तो उसे हम साइड में निकाल कर रखेंगे। अब जो कढ़ाई में हमने डाला है, रखा है शेंगदाने का आटा, उसमें हम डालेंगे गरी का बुरादा, 1/2 छोटी कटोरी ड्राई फ्रूट्स डाले हैं थोड़े मैंने, बादाम, काजू और पिस्ता, इन सबको अच्छे से बारीक से कट कर लिया है, ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक का पेपर लिया है, तो उसमें हमने जो साइड में पहले आटा साइड में निकल के रखा था वो डालेंगे। थोड़ा सा घी डालेंगे 1/2 चम्मच। अब घी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और गरी का बुरादा डालेंगे। फिर से हमें अच्छे से आटा गूंद लेना है शेंगदाने पाउडर का, तो इसे हम साइड में निकाल के रख देंगे। अब जो पहले वाला बाउल में हमने जो पैन में रखा था उसमें हम थोड़ा सा कलर डालेंगे। आप आपकी इच्छा के अनुसार कौन सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं। तो कलर डाल के फिर से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है इन सबको। अब जो कलर वाला आटा है उसका हम रोल बना देंगे। इस तरह से प्लास्टिक के पेपर पर ही आप रोल बनाइए तो इजी जाएगा, चिटकेगा नहीं। इस तरह से रोल बना के साइड में रख देंगे और जो प्लेन आटा है उसे अब हम इसकी रोटी बना लेंगे अच्छे से। इसे हम पहले तो एक जगह ला लेंगे, फिर बाद में बेलन के सहारे से बेल लेंगे। ज़्यादा पतला नहीं बेलना है यहाँ पे, आटे को थोड़ा मोटा ही रखना है। तो उसके अंदर जो कलर वाला रोल हमने बनाया था वो लपेट लेंगे। तो दोनों को अच्छे से लपेट के सेट होने के लिए 1/2 घंटे के लिए साइड में रख देंगे।
अगर आप रूम टेम्परेचर पर रख रहे हो तो आधे घंटे के लिए साइड में रखें, अगर आप फ्रिज में रख रहे हो तो 10 मिनट के लिए आप फ्रिज में रख सकते हैं। तो इसे हम साइड का आटा पूरा कट कर लेंगे और दूसरा रोल इसमें डालेंगे। तो इस तरह से स्वीट रोल यहाँ पर बनकर तैयार होने वाला है। तो इसे हम एक आधे घंटे के लिए अच्छे से रोल करेंगे और रोल करके एक 2 मिनट तक रोल करेंगे, फिर आधे घंटे के लिए साइड में रख देंगे। देखिए इस तरह से। तो आधा घंटे के बाद रोल यहाँ पर तैयार है फ्रेंड्स। तो इसे हम कट करेंगे। तो शेंगदाने के स्वीट रोल बनकर तैयार है फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे और एक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।